अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सीएसएस का एक सब्जेक्ट है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। जिस तरह के इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री है, यूएस हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, इसी तरह ये एक पेपर है उधर इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। पहले ये 200 मार्क्स का होता था, मगर अब ये 100 मार्क्स का होता है। तो मैं तो अक्सर स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा जो कि इस्लामिक स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हैं, अगर नहीं भी हैं फिर भी आपको ये सब्जेक्ट, इसके बारे में लाजमी सोचना चाहिए कि इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर ये इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री और यूएस और ब्रिटिश हिस्ट्री से ज़्यादा मार्क्स देता है, क्योंकि इसमें अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं वो उसके बारे में आपको पहले से ही नॉलेज होता है। आप जस्ट इसका सिलेबस भी ना पढ़ें, वैसे ही आप इसके पास पेपर को स्टडी करें, देन आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ तो लाजमी सब्जेक्ट आपने करना ही करना है अगर आप मुस्लिम्स हैं तो। इसके जो इसका जो सिलेबस है उसके साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इसके मैंने ये पास पेपर्स देखे हैं 2020 का। इसमें आज जिस टॉपिक को मैं कवर करूँगा उसका नाम है चार्टर्ड ऑफ मदीना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, मिसाके मदीना भी इसे कहा जाता है और मुआहदे मदीना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टू इसका ये देखें, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ मदीना। ये देखें, ट्रीटी ऑफ मदीना भी इसे कहा जाता है, चार्टर ऑफ मदीना भी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना भी कहा जाता है, मिसाके मदीना भी कहा जाता है। मुख्तलिफ तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आज इसकी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। देखें, द चार्टर ऑफ मदीना प्लेड अ वाइटल रोल टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट इन मदीना, डिस्कस। ठीक हो गया। उसके बाद 2013 में ये लास्ट में देखें, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ मिथाके मदीना इन दैट डाइवर्जेंस लिविंग स्टेट ऑफ सोसाइटी ऑफ मदीना एंड हाउ इट कैन बी एम्प्लॉयड नाउ, डिस्कस। अच्छा, ये उसके बाद 2012 में भी ये पूछा गया है। ये किधर है, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, गिव अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ पैक्ट ऑफ मदीना। अच्छा, इसे पैक्ट ऑफ मदीना भी कहा जाता है। कितने ज्यादा नाम हमने इसके देख लिए, पैक्ट ऑफ मदीना हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, मिसाके मदीना। इसको मैं शुरू करने से पहले आपको मजीद बताता हूँ, जिस तरह ये मिसाके मदीना हो गया, ठीक हो गया, चार्टर ऑफ मदीना, कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सुलह हुदैबिया जिसे कहते हैं, चार्टर, पैक्ट ऑफ हुदैबिया, हुदैबिया ट्रीटी भी इसे कहा जाता है। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर बल्कि मोस्टली ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। 2021 में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बारे में आया था, बाकी जो मैं क्वेश्चन पेपर पास अपलोड नहीं किए उनमें उन्हीं के बारे में पूछा गया था। आज मैं इसको कवर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर किया जाएगा। तो आपको मैं साथ साथ इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन भी करवाता जाऊंगा। चलें, अच्छा, मैंने ये 5-6 जो रिसर्च पेपर हैं उसके अलावा विकिपीडिया है और बुक से भी काफ़ी रहनुमाई ली है। तो मुझे एक पहले जो मैंने नोट्स इसके बना लिए, देन मुझे एक बहुत अच्छा एक और रिसर्च पेपर एक दोस्त ने भी रिकमेंड किया और मैंने उसको स्टडी किया, तो मुझे वो अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा कॉन्साइज था। ये 3 से 4 पेजेस इसके हैं, देन नेक्स्ट उसके मैंने वो जो नोट्स हैं उसके भी मैंने बनाए। अगर आपको जल्दी हो वीडियो देखने में, देन आप वीडियो को रोक कर या वैसे ही इसको स्टडी कर सकते हैं, आपको ईजी समझ सकते हैं। मैं इसको एक मरतबा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रीड करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि एक ऐसा स्टूडेंट जो कि सीएसएस की तैयारी कर रहा है उसको बार बार उर्दू में ट्रांसलेट करके समझाना, मैं नहीं समझता को कि अगर इसकी ज़रूरत है तो देन उसे चाहिए कि वो सीएसएस को छोड़ दे, क्योंकि इसके लिए आपकी कम अज़ कम इंग्लिश इतनी अच्छी तो होनी चाहिए कि ये ईजी जो लिखा हुआ इसे अंडरस्टैंड कर सकें और जब मैं रीड करूं देन उसको भी अंडरस्टैंड कर। अच्छा, ये 622 जब माइग्रेशन हुई थी जिसे हम हिजरत भी कहते हैं थे, मक्का से मदीना, ठीक हो गया, ये डेट है। और इसी साल
ये ट्रीटी हुई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना हुआ था कुछ। इन प्रॉफिट्स लास्ट इयर्स इन मक्का अ डेलीगेशन फ्रॉम मदीना फ्रॉम इट्स इंपॉर्टेंट क्लैंस इनवाइटेड हिम एज चीफ आर्बिट्रेटर टू ब्रिंग पीस बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स। ये एक अरब में एक तरीका राइट था कि वो अपने जो डिस्प्यूट्स को सेटल्स करने के लिए आउटसाइडर से आर्बिट्रेटर को दावत देते थे, इनवाइट करते थे। इन मदीना देयर वर 20 डिस्ट्रिक्ट्स ईच विद अ चीफ। एट द टाइम ऑफ चार्टर सिटी हैड अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 10,000, मुस्लिम्स मेड अप ओनली अ फ्यू हंड्रेड। द क्लेम मेड बाय द प्रोफेसर मोहम्मद हमीदुल्ला that it was the first written constitution in the world is not without basis because second is the American constitution of 1787. It was also modern in sense of that it was promulgated for a plural society giving equal rights to every citizen as well as giving them a say in governmental matters. The charter consists of 47 clauses, but due to different numbering, Professor Hamidullah counts it to be 52. But there is general agreement on the authenticity of the most widely read version of the charter, which is found in the Ibn Ishaq's Sirah Rasulullah. अच्छा, ये ज़्यादातर ये कहाँ से इसको फाउंड किया गया? इब्न इसहाक एक राइटर हैं, उन्होंने की जो किताब थी सीरह रसूलुल्लाह, उधर से इसको लिया गया है। और ये जो सीएसएस में जो सिलेबस में रिकमेंड बुक्स हैं वो जो उसमें प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्ला साहब हैं, ठीक है, इनका इधर इनको इधर कोट करने का भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इससे भी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ अ सॉवरन नेशन स्टेट विद अ कॉमन सिटीजनशिप। अच्छा, ये मैंने एक किस्म के ये नोट्स बनाए हैं बुलेटिन टाइप सिंपल, वो अगले जो जो नोट्स हैं अगले से अगले स्लाइड्स में मौजूद, उसमें काफ़ी कंसाइज किया गया है। इसमें जस्ट मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, आप इसको स्टडी करें, इसको आप बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसके अलावा ये जो मिसाके मदीना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन में ये एक सपोर्टिव आर्गुमेंट की सूरत में होगा, क्योंकि बास क्वेश्चन जो मैंने पास पेपर में उन्होंने पूछा कि किस तरह ये एक टर्निंग पॉइंट हुआ मुसलमानों की सिविलाइजेशन में या मुस्लिम स्टेट में जो हिजरत थी। ये देखिए, इसको भी ये कवर कर रहा है, वो नेक्स्ट ये कवर करेंगे कि किस तरह कुफारा ने मक्का ने मुसलमानों को अजियत दी, तंग किया उनको, को उनके साथ बायकॉट भी किया उन्होंने, उनकी प्रोसिक्यूशन की, उनको तंग किया, जिसकी वजह से उन्होंने मक्का को छोड़कर मदीना जाना कबूल किया। और किस तरह एक ये टर्निंग पॉइंट आया मुसलमानों की ये हिजरत, किस तरह टर्निंग पॉइंट, उसमें इसका भी बहुत ज़्यादा रेफरेंस देना पड़ेगा, इसलिए इसके आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, आप इसको लाजमी अंडरस्टैंड करें। या किसी और जगह से आपको अच्छे नोट्स मिले देन आप स्टडी करें, ऑनलाइन स्टडी करें, अदरवाइज ये तो मैंने बहुत ज़्यादा डाटा आपको अपलोड कर दिया, आप इनशाला आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, ये देखें, कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस कम्युनिटीज आई अंसार मुहाजिर ज्यूज एंड पैगन्स। अच्छा, इसको सॉवरन नेशन स्टेट बना दिया, जिस किन लोगों पर मुश्तमिल थी, मुसलमान भी थे, मुसलमान तो एक कम तादाद में थे बनिस्बत यहूदियों के, और पैगन्स। इट वाज फर्स्ट मॉडर्न नेशन स्टेट इन द वर्ल्ड एंड इट्स चार्टर वाज टू लास्ट अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द उमय्यद डायनेस्टी इन 661। द चार्टर प्रोवाइडेड अ फेडरल स्ट्रक्चर विद अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। ये अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं देन आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वैसे भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी कि फेडरल स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है, ठीक हो गया। विद अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी विद द वेरियस ट्राइब्स इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग अ यूनिट एंड एंजॉयिंग ऑटोनॉमी इन सर्टन मैटर्स ऑफ सोशल कल्चरल एंड रिलीजियस चार्टर।
Many matters were left in the hands of autonomous units, except state security and national defense. ये देखें, ये फेडरल सिस्टम होता है. Only in cases of disputes, the units could not resolve. Recourse for the decisions had to be made to the prophet, whose decision was final. There was 20 districts, each with a chief and deputy chiefs and its meeting place. अच्छा, ये जो मैं बता रहा था कि मैंने एक रिसर्च पेपर से इसको कंसाइज दिया और इसको मैंने इधर आपके लिए अपलोड कर दिया. ये देखें, आप इसको स्टडी लाजमी करें. थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑल कंट्रीज एंड नेशंस ऑपरेटेड अंडर सर्टन लॉज प्रोमलगेटेड बाय देयर फाउंडर्स रूलर्स. मैनी हिस्टोरियंस कंसिडर द इंग्लिश मैग्ना कार्टा टू बी द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. However, according to the research of Dr. Muhammad Hamidullah, one of the most eminent Muslim researchers and scholars of the 20th century, the Charter of Medina, Misak al-Medina, was the first constitution written by mankind. The Charter of Medina precedes the American Constitution of 1787 and the English Magna Carta of 1215. Theek hai gaya? Aapne ye lazmi idhar likhna hai ki The first written constitution of the world is the constitution of Medina or charter of Medina. ये हर लिहाज से एक constitution है जिसने एक social contract लोगों को दिया जो कि conflict और disputes की हालत में थे. The backdrop of charter of Medina. Beloved prophet, peace be upon him, delivered the message of Allah in Mecca for about 13 years in the face of staunch opposition. अच्छा, ये एक वजह है कि क्यों, किस वजह से इन्होंने हिजरत की. ठीक हो गया, आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं. In 622, according to the question, आप इसको मेंशन कर सकते हैं. In 622 AD, he finally moved to Medina together with his followers after receiving an invitation from the Arab tribes of Medina. At the time, Medina, then uska naam tha Yasrib, magar hum ise Medina hi kahenge ek respect ke taur par, kyunki pyare aqa ne farmaya. I think confirm to nahi, magar maine suna hai ki ise ab Yasrib na kaha jaye, ye Medina hai. At the time, Medina was a pluralistic society composed of people of different religions with a large population of Jews. These tribes were engaged in bitter quarrels and often went to war over disputes that had been going on for generations. There were 12 tribes of Arabs divided between Aus and Khazraj and 10 Jewish tribes including Banu Nazir, Banu Qurayza and Banu Kanuka. The continuous state of anarchy in Medina eventually forced the residents to seek options for peace. They agreed to make a prominent tribal chief, Abdullah ibn Ubi bin Salul, their king, so that peace and harmony could be achieved. Around this time, beloved Prophet, peace be upon him, arrived in Medina and the tide turned against Abdullah bin Ubi. ये अब्दुल्ला बिन उबी ये मुनाफिकीन का सरदार था. ठीक हो गया. Since the Prophet, peace be upon him, was viewed as respectable, honest and trustworthy person, he was requested to head the soon to be city state of Medina. Creation of the charter. After assuming a central role in Medina, the Prophet, peace be upon him, recognized a few pressing needs, which included determining the rights and responsibilities of the local population as well as the immigrants for Mecca, which were called Muhajirs, making agreements with the non-Muslim population of Medina, especially the Jews, to ensure peace and harmony, creating a strategy and plan to defend the city against invasions, making resources available for the immigrants to make a living. The strong need to create a
सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इन मदीना टू एंड द प्रिवेलिंग अनार्की कल्मिनेटेड इन द क्रिएशन ऑफ द चार्टर ऑफ मदीना। द टेक्स्ट ऑफ द चार्टर हैज बीन प्रेजेंटेड इन इट्स एंटायरिटी बाय द स्कॉलर्स इब्न इसहाक एंड अबू उबैद। इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मुस्लिम इमिग्रांट्स एंड मुस्लिम नेटिव्स विच वर कॉल्ड मुहाजिर एंड अंसार। एंड द सेकेंड पार्ट डील्स विद द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ज्यूज ऑफ मदीना। दिस चार्टर कंटेन्स 47 क्लॉजिज विच लेड द फॉर्मुलेशंस ऑफ द of a sovereign nation state comprising of Muslims, Jews and pagans having equal rights and responsibilities under a common citizenship. Many historians believe that the charter was developed in two stages. The first part was written before the Battle of Badr and the second part about relations with the Jews after Badr, when Muslims had gained a much stronger standing. The salient features of this charter include: all parties included in the charter, i.e. Muslims, people of the book, Jews and Christians and pagans, had freedom to practice their religion. All citizens of the state had equal rights and responsibilities and were protected against excess and oppression. A system of financial aid was developed within each tribe and between tribes. Communal funds were set up, which were used in times of financial needs, such as to pay ransom or blood money. In the event of a war or hostile attack from outsiders on one tribe, all tribes of Medina signatories of the charter were required to come to the aid of the defending tribe. In the event of a dispute among the signatories, Prophet peace be upon him was the final authority for settling the dispute. The Quraysh of Mecca were to be boycotted commercially by all signatories and nobody was to extend any support to them. Ye last स्लाइड शो है। सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्टर ऑफ मदीना। इट इज अ लैंडमार्क डॉक्यूमेंट नॉट ओनली इन मुस्लिम हिस्ट्री बट आल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दिस चार्टर ट्रांसफॉर्म्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन मदीना, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल लाइफ। Its biggest achievement was bringing belligerent tribes together to form a polity and establishing long-term peace among them. It put an end to the prevailing anarchy and protected the life, liberty, and property and religious freedom of all people included in the accord. It created a state where equal rights and responsibilities were truly provided for all citizens. The Charter of Medina replaced the traditional tribal kingship with a new social order and created a nation state with a new social fabric. Dr. Hamidullah writes in his book, The First Written Constitution. ये last para आपने लाजमी याद करना है, क्योंकि इसमें ये डॉक्टर हमीदुल्ला साहब जो, ये इनका कोटेशन है। डॉक्टर हमीदुल्ला राइट्स इन हिज बुक द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉट विद इट वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू अरेबिया एटलीस्ट वेरी रेवोल्यूशनरी चेंज एंड इम्प्रूवमेंट बाय प्रोवाइडिंग द पीपल विद अ सेंट्रल पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सीकिंग जस्टिस in place of everyone seeking it with the power of his own hand or at best that of his family. This epoch-making innovation brought an end for all times to the cause of tribalism and which laid the
बेसिस फॉर अ वाइडर इंस्टीट्यूशन विजा स्टेट। अच्छा, इसमें वो कहती हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने जो लोग हैं, ठीक हो गया, हर जगह के, मगर खास तौर पर कम से कम जो अरब के लोग थे, उनको एक ऐसा एक रेवोल्यूशनरी चेंज दे दी और इम्प्रूवमेंट कर दी उनके लिए, जिसकी वजह से लोगों को एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी मिल गई या सेंट्रलाइज पब्लिक इंस्टीट्यूशन मिल गया, जहां से वो इंसाफ हासिल कर सकते थे, बजाय इसके वो खुद इंसाफ हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते थे, अपनी फैमिली और सुर सूख इस्तेमाल करते थे, जिससे कि डिस्प्यूट्स और लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि जंग की नौबत आ जाती थी। मगर इसने ये वो तमाम मामलों को इजीली हल कर दिया, और ये एक ऐसी इनोवेशन है जिसने ट्राइबलिज्म सिस्टम को भी खत्म कर दिया और एक नेशन स्टेट का वजूद हुआ। काइंडली, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।